लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कॉल कर लोगों से एटीएम की जानकारी लेकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जालसाजों का एक गिरोह कॉल करके लोगों से उनके एटीएम की जानकारी प्राप्त कर उनके खातों से ऑनलाइन करोड़ों की रकम पार करता था। जानकारी के अनुसार दिल्ली, सिलीगुड़ी, जामताड़ा, झारखंड और कर्नाटक सहित तमाम राज्यों में जालसाजों ने अपनी जालसाजी का तार फैला रखा था। इसी कड़ी में लखनऊ निवासी पीड़ित को भी जालसाजों ने चूना लगाया था और उसके खाते से ऑनलाइन करीब 49,000 से अधिक रुपए उड़ा लिए थे। ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत लखनऊ हजरतगंज साइबर क्राइम सेल की टीम को दी थी। पीड़ित की शिकायत पर लखनऊ हजरतगंज साइबर क्राइम सेल की टीम ने गिरोह के जालसाज प्रदुम मंडल को दिल्ली से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि झारखंड के जामताड़ा में कॉल सेंटर संचालित कर लोगों को ठगी करने का काम कर रहा था। आज दिनांक 23/2/2020 को मुकदमा अपराध संख्या 753/19 धारा 406, 411, 420 IPC थाना सरोजिनी नगर लखनऊ के संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसके एक नफर अभियुक्त को साइबर क्राइम सेल लखनऊ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये अभियोग जो पंजीकृत हुआ था इसमें 49,400 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी, बैंक खाते से ट्रांसफ़र कर लिया गया था अवैध रूप से। और इसके जब हम लोग ने विवेचना शुरू की और इन्वेस्टिगेशन हुआ इस पर, तो साइबर सेल को इसमें कई जानकारियाँ ये मिली कि ये जो गिरोह है इनके द्वारा कई राज्यों में जैसे नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि कई राज्यों में इनके द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड लगातार किया जाता रहा है। और इनके द्वारा एक कॉल सेंटर जामताड़ा में चलाया जाता था और उसी के माध्यम से लोगों को फर्जी तरीके से कॉल्स जाते थे और उनको अपने एटीएम कार्ड के डिटेल्स शेयर करने के लिए प्रेरित किया जाता था। एक बार वो डिटेल आ जाने के पश्चात जो धनराशि होती थी वो उनके बैंक खाते से जो पोर्टल्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पहले एक वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जाता था, उसके बाद उस वॉलेट से इन सब पोर्टल्स के माध्यम से ख़रीदारी की जाती थी। अनुमानित इससे जो अभी तक जानकारी मिली है इनके अकेले के द्वारा ही करीब 50 लाख रुपये के ऊपर की धोखा ऑनलाइन फ्रॉड्स किए जा चुके हैं और अभी विवेचना प्रचलित है और भी लोग इसमें प्रकाश में आने की हम लोग को उम्मीद है। और जहां तक बरामद की बात है कि फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। पंजाब के सीटीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।